हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर सीरीज के माध्यम से हमारी जो करंट न्यूज आती है तीन, हम उस टॉपिक पे बात करने वाले। आज के जो हमारी तीन टॉपिक पे बात होगी, एक होगी बटरफ्लाई सिकोड़ा। बटरफ्लाई सिकाड़ा क्या है इसको समझ लेंगे, SLAPP मुकदमा क्या होता है इसको समझ लेंगे और कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है और कहाँ इसका लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी होगी मोंटाने द्वीप समूह। मोंटाने द्वीप समूह क्या है और ये चर्चा में क्यों आ गया, क्या नया द्वीप की उत्पत्ति हुई है, इसको समझ लेंगे। तो आज के यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंटर की सीरीज के माध्यम से, क्योंकि यूपीएससी की पीटी स्पेशल हमारी सीरीज ही है और पीटी स्पेशल के नाम से ही आप लोग को पता होगा कि इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम आज चलते हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर आप लोगों को ऐप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो की पीडीएफ भी पढ़ना हो, डाउनलोड करना हो, तो इस पीडीएफ की नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की करंट अफेयर्स की वीडियो हुई, किसी टॉपिक पर वीडियो हुई, सारा इस टॉपिक पर अपलोड होती है ऐप पर, आप उसको देख सकते हैं। साथ में बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं, वो भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं, तो उसको भी आप फ्री टेस्ट सीरीज का मजा ले सकते हो लगाकर, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ऐप का नाम ये है, आप सर्च भी कर सकते हो या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। बटरफ्लाई सिकाड़ा क्या है, इस बटरफ्लाई सिकाड़ा के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं, चर्चा में क्यों रही है इसको समझेंगे सबसे पहले। तो बटरफ्लाई सिकाड़ा है, वैज्ञानिकों ने मेघालय में एक चमकदार नई सिकाड़ा प्रजाति की खोज की है। आप देख सकते हो बहुत चमकदार है, फोटो में कम चमक रही होगी लेकिन वैसे बहुत चमकदार है और ये नई प्रजाति है और भारत के मेघालय में, यार कहाँ पे, भारत के मेघालय में इसकी खोज की गई। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बटरफ्लाई सिकाड़ा के नाम से जाना जाता है। बटरफ्लाई के बारे में हम जान लेते हैं, बैक्ट्रिना वर्ग, कौन सी बैक्ट्रिना वर्ग से इसका संबंध है और सिकाड़ा की यह नई खोजी गई प्रजाति है। इससे बैक्ट्रिना जीनस में ज्ञात जो प्रजातियों की संख्या हो गई है, कुल 7 हो गई है, कितना 7 जनसंख्या हो चुकी है इनकी प्रजातियों की। इस खोज की खोज जो है मेघालय में की गई है भारत में। इस प्रजाति का देश का पहला रिकॉर्ड है, यार इस प्रजाति का देश में है पहला रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ये 7 प्रजाति हैं लेकिन 6 भारत में नहीं पाई जाती, या पाई जाती है छिटपुट है, लेकिन 7वीं जो पाई गई है बटरफ्लाई सिकाड़ा, ये भारत का पहला रिकॉर्ड है। सिकाड़ा के रंगीन पंखों के कारण तितली सिकाड़ा के उपनाम से मिला हुआ है इसको। प्रजाति का नाम बाइकोलार इसके 2 अलग अलग रूपों को दर्शाता है। आप देख सकते हो तितली जैसे इसके पंख हैं चमकदार और यह 2 रंगों में भी है ना, 2 रंगों में भी है, ठीक, अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करते हैं। इसकी विशेषताएं की बात करें तो मेघालय में खोजी गई है और यह प्रजाति देश का पहला रिकॉर्ड है। सिकाड़ा क्या है, सिकाड़ा ध्वनि उत्पन्न करने वाला, यह आवाज क्या है, आवाज को यह निकालने वाली कीड़ों की एक समूह में से पाई जाती है। इनमें 2 जोड़ी झिल्लीदार पंख होते हैं, जो मिश्रित आंखें होती हैं, 3 असाधारण आंखें भी इनमें पाई जाती है। तो सिकाड़ा में कुछ जो बातें हैं इंपोर्टेंट रहती हैं, ये आवाज ध्वनि को निकालती है, झिल्लीदार पंख होते हैं इसमें और यह 3 असाधारण आंखें भी होती हैं। यह मध्यम आकार से लेकर बड़े आकार तक की हो सकती है, 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। यह 3000 से अधिक प्रजातियां ज्ञात हैं। इनमें से अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैसे कि रेगिस्तान में, घास के मैदानों में और जंगलों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंध में ये पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि इस बटरफ्लाई सिकाड़ा प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए यह उष्णकटिबंध में पाई जाती है, रेगिस्तान में ही पाई जा सकती है, घास में ही पाई जा सकती है, जंगल में भी पाई जा सकती है। जो नर सिकाड़ा होता है उसका पेट के आधार पास झिल्लियां हिलाकर तेज आवाज पैदा करते हैं। जो नर सिकाड़ा होती हैं उनके पास में जो होती है झिल्लियां, उस झिल्लियों को हिलाकर वह आवाज पैदा कर सकती है। जो मादा सिकाड़ा होती है लकड़ी के पौधों के उत्तकों में अंडे देती है और अंडे फूटने के तुरंत उसके बाद यह पौधों से गिर भी जाते हैं। ये सब रिसर्च होती है, रिसर्च पर ये सारी बातें की जाती है। नेक्स्ट हम इस आज की करंट अफेयर्स की बात करते हैं, SLAPP क्या है, SLAPP मुकदमा क्या है, इस मुकदमे को हम इतना क्यों चर्चा में ले रहे हैं इसको समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो पसंद आ रही लाइक भी किया होगा, शेयर किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, वहां पर आप लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह डाउनलोड का मौका मिल जाएगा। SLAPP इसके बारे में समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ थी इस बात पर टिप्पणी दर्ज की है कि अदालतों को मीडिया संगठनों के खिलाफ प्री ट्रायल निषेधाज्ञा
और एसएलएपीपी मुकदमों के बढ़ते उपयोग पर केस निर्णय लेना चाहिए। क्या कहा गया है, मामला है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मीडिया और अदालत हैं उनको प्री ट्रायल की निषेधाता जो एसएलपीपी है उनके मुकदमा जो बढ़ रहे हैं उनके उपयोग पर भी निर्णय कैसे लिया जा सकता है। स्कैन करके डाउनलोड कर लो ऐप को और नहीं तो सब्सक्राइब करके भी डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ वगैरह पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ते रहिए। एसएलएपीपी के मुकदमा के बारे में समझे तो इसका अर्थ, शब्द का अर्थ है सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमा। जो सार्वजनिक भागीदारी होती है जो एक समूह में, किसमें, एक समूह में जो भागीदारी होती है उस समूह के विरुद्ध में एक मुकदमा लड़ा जा सकता है। एक मुकदमे की अवधारणा अमेरिका से विकसित हुई है जहां पर पहले देखा गया है कि कुछ मुकदमे व्यक्तिगत और कुछ मुकदमे समूह के वादियों को लक्षित करके दायरे में किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण विचारणीय सामाजिक मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की हुई है। मुकदमे का विषय सार्वजनिक भागीदारी को कार्य को लक्षित करता है, जैसे पत्रकारिता को, वकालत को, हिप्सल ब्लॉगिंग को, शांतिपूर्ण विरोध को, बहिष्कार को, सक्रियता को, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ बोलने के लिए सामाजिक और राजनीतिक महत्व के मुकदमे शामिल इसमें किए जा सकते हैं। वैसे तो मुकदमा जितना ही फोकस नहीं है लेकिन वादी का लक्ष्य आमतौर पर सभी तभी पूरा होता है जब प्रतिवादी डर, धमकी, बढ़ती कानूनी लागत, साधारण थकावट के आगे झुककर आलोचना छोड़ देता है। क्या रखेगा, वैसे इतना बड़ा फोकस नहीं है एसएलपीपी का क्योंकि एक समूह में तो वैसे ही मुकदमा लड़े जाते हैं, पर एसएलपीपी मुकदमा क्यों चर्चा में है क्योंकि इसमें इस चीज को लक्षित भी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बोला भी है। मांगे गए उपाय सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में नुकसान के होते हैं और आमतौर पर विवाद की विषय वस्तु आक्रामक या पर असंगत होती है, याद रखिएगा। तो ये भी बातें इसमें, मुकदमे नियमित रूप से मानहानि के हो सकते हैं, बदनामी के हैं, मानहानि प्रक्रिया के, दुरुपयोग के, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के, साजिश के, गोपनीयता उल्लंघन के, अनुबंध व्यावसायिक संबंधों में कपटपूर्ण हस्तक्षेप के दायरे में किए जाते हैं। तो एसएलपी के जो मुकदमे नियमित तौर पर हैं वो इन्हीं सब क्षेत्रों में ज्यादातर किए जाते हैं। सबसे सामान्य एसएलपीपी का जो मुकदमा है अक्सर देखा जाता है कि शक्तिशाली निगम शामिल होता है जो स्वयं की कंपनी के खिलाफ बोलने के लिए स्थानीय नागरिकों पर मुकदमा दायर करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सामान्यतः मुकदमे होते एक शक्तिशाली निगम है और उस कंपनी के खिलाफ बोलने के लिए जो स्थानीय नागरिक होते हैं उन पर मुकदमा होता है, वो करता हुआ नजर आता। नेक्स्ट तीसरी कंट्रीज की बात करते हैं, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका मोंटेनो द्वीप समूह, तो हम इसको सीमा भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सीमा भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दक्षिण साउथ ईस्ट कहाँ का है, साउथ ईस्ट अफ्रीका का मामला है मोंटेनो द्वीप समूह, समझते हैं। ये पूरा मोंटेनो द्वीप समूह का क्षेत्र है, आप लोग देख पा रहे होंगे। दक्षिण अफ्रीका का हालिया अध्ययन किया गया है कि दक्षिण पूर्व अफ्रीका मोंटेनो द्वीप समूह एक नए मान्यता प्राप्त पारिस्थितिक क्षेत्र, पहले से गैर दस्तावेजी जैव विविधता की संपत्ति का पता लगाया गया है। एक पारिस्थितिकी क्षेत्र है और यहाँ पर गैर दस्तावेजी जैव विविधता की संपत्ति का पता लगा। अब इतना चर्चा में क्यों आ गया है, यह एक नई मान्यता प्राप्त पर्वतीय पारिस्थितिकी क्षेत्र है तो इसलिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह उत्तरी मोजम्बिक से लेकर दक्षिणी अफ्रीका के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत मलावी में माउंट मोलांजे पर यह स्थित है। तो मोजाम्बिक से लेकर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है मलावी में माउंट मोलांजे उस पर स्थित है। इको क्षेत्र जो पारिस्थितिकी क्षेत्र है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर पहुंचने वाले 30 ग्रेनाइट इंसेल वर्ग शामिल है जो दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े माउंट आबू और सबसे छोटे माउंट लिको मध्य उच्चम ऊंचाई वाले वर्षा वनों के साथ साथ जैविक रूप से पर्वतीय घास की यहाँ पर मेजबानी भी करते हैं। मोंटेनो द्वीप समूह की अगर आसपास के क्षेत्रों की तुलना में विशेष रूप से शुष्क मौसम में स्पष्ट रूप से अधिक वर्षा प्राप्त होती है और आर्द्रता भी होती है। यहाँ 2000 से बाद प्राथमिक आर्द्रवन जो है 18% से कम हो गया है जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक वनों की कटाई की दर में से एक है। तो 18% यहाँ पर आर्द्रवन कम देखे जा रहे हैं जो कि अफ्रीका में सबसे अधिक कटाई की दर है में से एक है। मोंटेनो द्वीप समूह पर्वतीय वनों के नुकसान का मुख्य कारण स्लैश वर्ण एवं स्थानांतरित कृषि पद्धति है।
यहाँ पे जो पर्वतीय वन है उन पर्वतीय वनों की सबसे अधिक नुकसान क्यों हुआ है, तो आप देखोगे जो स्थानांतरित कृषि होती है जो जलाकर छोड़ दी जाती है फिर कृषि की जाती है उसके कारण। इसका उपयोग सामान्यतः स्थानीय समुदाय के द्वारा निर्वाह खाद्य उत्पादन के लिए, लकड़ी का कोयला उत्पादन के लिए, घरेलू खाना पकाने के लिए और राजस्व के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इंसलबर्ग क्या है, जो मैंने अभी शब्द लिया है या इसकी बात करते हैं, तो इंसलबर्ग या फिर मोनाड नाव एक पृथक खड़ी ढलान वाली छोटी पहाड़ी होती है या छोटा पर्वत होता है जो अच्छी तरह से विकसित मैदानों में स्थित होता है। यह समुद्र से उभरे हुए द्वीप जैसा प्रतीत होता है। इंसलबर्ग सामान्यतः क्षरणकारी अवशेष है। इन पर कठोर अग्नि और चट्टान है जैसे कि ग्रेनाइट से बने होते हैं, कटाव के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, तलछटी चट्टानों में भी यह बन सकते हैं। तो इंसलबर्ग आप समझ सकते हो क्या चीज है पूरा, है ना। तो आज के लिए समाप्त करते हैं, तीन कंडीशंस पे मैंने बात की इंपोर्टेंट थी। तो नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, वीडियो पर बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।